देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जाता है और बीजी सॉफ्टवेयर का क्या क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बीजी क्या है। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? अकाउंट्स का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? हिसाब किताब रखना, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। कौन मेंटेन करता है आपका? बीजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है। इसी की कंपेरिजन में मार्केट में एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसका आप लोग नाम हमेशा सुनते होंगे। अगर आप कहीं भी देखो तो बोर्ड पे लिखा होगा हमारे यहाँ टैली सिखाया जाता है या बीजी अकाउंटिंग सिखाया जाता है। तो टैली और बीजी दोनों सिमिलर है, बट सर फ़र्क क्या है? फ़र्क देखने का फ़र्क है, इनका यूज़र फॉर्म अलग है, इसका अलग है, ठीक है। तो बीजी क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अकाउंट्स का मतलब आप लोग जानते हैं ना क्या करता है? जो मेंटेन करता है। क्या करता है? जो अकाउंट्स को मेंटेन करता है वो कहलाता है। आपको याद होगा जब आप लोग पुरानी फिल्में देखते होंगे तो उनके पास मुंशी टाइप का होता है जो कॉपियों पे लिखता रहता है ना, वही काम आप लोग करोगे। अगर आप कहीं भी जॉब पे जाओगे तो एज अ अकाउंटेंट जाओगे। अकाउंटेंट का मतलब होगा कि उसकी कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन के पर्पज़ से जाओगे। क्लियर है? ये नहीं करनी है स्मार्ट कंप्यूटर वाली करनी वाली कंपनी नहीं करनी, पुरानी मत करना, स्मार्ट कंप्यूटर सोल्यूशन करना, ठीक है? उसमें कंप्यूटर बनाना। क्या करता है? अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अकाउंट्स में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया। अकाउंट्स क्या होता है? जो हिसाब किताब मेंटेन करता है। सर ये बीजी इंडिया में पहली बार कब आया था? बीजी जो आपका आया था वो 1994 में आया था। यहाँ पर देखिए नोट से रखा, अगर जिसको फोल्डर बनाना नहीं आता या कोई और दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए आप ठीक है, सबसे पहले हम सीख रहे हैं बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर आगे बताता हूँ। पढ़ लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखो लिखा है कि बीजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? 1994 में हुआ था। कौन सी प्लेस पे लॉन्च हुआ था? प्रगति मैदान के अंदर ये आपको लॉन्च किया गया था। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि बीजी कब आया था तो आप बोलोगे सर 1994 में आया था। कब आया था? 1994 में आपका आया था। जब बीजी आया था कौन सा वर्जन आया था? कौन सा वर्जन आया था बीजी इंडिया में पहली बार आया था? तो 3.5 आया था। कितना आया था? 3.1। जैसे 17 है ना बीजी 17, ऐसे इससे पहले आया था 3.5। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब बात आती है किसी ने बोला कि मुझे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है या डिलीट करना है, तो कैसे करोगे? पता है आप लोगों? आपको पता है? नहीं पता। याद रखिए जैसे आप लोग कोई एंड्रॉयड फ़ोन चलाता है आप में से, तो उसको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन करने के लिए उसको दबा के अनइंस्टॉल पे छोड़ना पड़ता है जब आपका अनइंस्टॉल होता है ना। हाँ, तो अब ऐसे तो करके राइट क्लिक करके आप लोग यहाँ से डिलीट तो नहीं कर सकते ना। डिलीट करोगे तो यहाँ से हटेगा नहीं। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी को अनइंस्टॉल करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा जिसका नाम होता है कंट्रोल पैनल। कहाँ जाएंगे आप लोग? कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल में जाने के सर क्या यही तरीका है? कभी कभी तो डेस्कटॉप पे दिखता नहीं है, तो आपके जो नीचे एक बटन होता है जिसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, आप इस पे जाइए और बस दो वर्ड लिखिए सी। क्लियर है? एंड देन आप इस पे एंटर मारें तो आपका क्या हो जाएगा? वो खुल जाएगा। कभी कभी तो ये कैटेगराइज आ रहा है, कभी कभी कैटेगरीज वाइज नहीं होता। ये आपके ऐसे आइकन में होता है, स्मॉल आइकन। जब ये स्मॉल आइकन में होता है ना तो काफ़ी सारे आइकन इस तरीके से दिख रहे होते हैं, तो आपको ढूंढना मुश्किल होगा कि कौन सा अनइंस्टॉल का पार्ट है। तो सबसे पहले आप इसमें आके क्या करेंगे? कैटेगरीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे नीचे ही लिखता है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, इस पर क्लिक करेंगे एंड जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है बस उस पर जाके क्या करना है? उस पर क्लिक करना है एंड देन अनइंस्टॉल। तो आपका क्या हो जाएगा? अनइंस्टॉल। देखिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, बी 17 है ना, बी 17 को यहाँ पर क्लिक करा और क्या कर दिया मैंने? अनइंस्टॉल कर। क्लियर है? जैसे ही अनइंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया है। हो गया ना इंस्टॉल?
हो गया अनइंस्टॉल। अभी यहाँ देखो जैसे ही अनइंस्टॉल होगा तो आपके डेस्कटॉप से ही आइकन खड़ा थोड़ा पास रहना होगा, देखना ही कहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको ऑन कर दें, देखो यहाँ चल रहा है, थोड़ा सा रह गया है, जैसे ही होगा यहाँ से आपका ये हट गया। तो आपको सीख लेना, अगर कोई सा भी सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है। क्लियर है, आगे समझ में? फिर अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इंस्टॉल कैसे करते हैं, अगर बीजी को सॉफ्टवेयर गूगल से डाउनलोड करना है तो किस तरीके से डाउनलोड करना है, सारी क्राइटेरिया को आपको अभी सीखना है। राहुल एक नोटबुक अंदर से लेके आना जो ड्रॉअर में पड़ी है। ठीक है, जब तक ये अनइंस्टॉल हो रहा है जब तक हम आपको बताते हैं कि अगर आपको गूगल से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो बीजी का कैसे डाउनलोड करें। आप लोगों को बताया कि गूगल क्रोम या मोजिला एक सोर्स है जिससे हम नेट पे जा सकते हैं, तो मैंने कौन सा खोल दिया आपका, मोजिला खोल दिया। ट्रेडर्स करना है एम्प्लॉय डिजिटल, जो डिजिटल है ना उसकी नेक्स्ट वाली कंपनी कर देना, आज तुम्हारी मेहनत के लिए खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, कहाँ जाएंगे, गूगल पे, गूगल पे जाएंगे आप लोग। गूगल पे जाते ही ठीक है ना, आपको एक वेबसाइट का नंबर बता रहा हूँ, आप उस वेबसाइट से इसको लिखें। वेबसाइट का नाम है www.bzwin/bz.com। क्या नाम है, www.bzwin/net.com। क्लियर है, तो लो आप कहाँ पहुँच जाओगे, डायरेक्ट डाउनलोड सेक्शन ऑफ बीजी, बस आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए बीजी के आप डाउनलोड सेशन पे आ गए। वो कह रहा है यूटिलिटी करनी है, बीजी के प्रोडक्ट करने हैं, एसक्यूएल सर्वर करनी है या टेम्पलेट करनी है, हमें बीजी के सॉफ्टवेयर में से एक को ही करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे तो देखो मैंने बताया था बीजी पहले 3 आया था, फिर 12 आया, फिर 14 आया, फिर 16 आया, और लेटेस्ट आपको कौन सा आ गया, बीजी 17 आया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, आगे समझ में दिक्कत इसमें किसी को? बस अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मैं किसके आगे क्लिक करूँगा, बस मैं क्लिक बटन पे क्लिक करूँगा तो आपकी क्या हो जाएगी, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगी, वेबसाइट पर जाएगी www.bzwin.com, डाउनलोड जाएगा। कोई आपसे अगर बीजी का पूछे कौन कौन से वर्जन है, तो 3 आया था सर, फिर 12 आया था सर, फिर 14 आया था सर, फिर 16 और फिर आपका 17। टोटल कितने वर्जन आया हमारे पास, अभी 5 वर्जन आया। क्लियर है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा सर, 17 का 1.8, और कब लॉन्च हुआ ये, 31 मई 2017 को इंडिया में अभी लॉन्च हुआ। ठीक है, या तो सर एक यहाँ पर 17 लिखा है, रिलीजिंग क्या होता है, रिलीजिंग एडिशनल होता है, क्या होता है, एडिशनल। अभी कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, अब गवर्नमेंट ने कोई चेंज कर दिया तो सॉफ्टवेयर को बदल देंगे, नहीं बदलते, तो उसका रिलीजिंग बढ़ा देते हैं। जैसे अभी 1.8 है, इसको 1.9 कर देंगे, 1.10 कर देंगे, मतलब इसको 17 को 18 में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, इसी का रिलीजिंग लाते हैं। तो क्लियर है, डाउनलोड हो जाएगा, अब अनइंस्टॉल भी आप लोगों ने कर लिया, बीजी यहाँ से आपका गायब हो गया, गायब हो गया ना सर, मेरे पास तो बीजी है नहीं, अगर मुझे इसमें डाउनलोड करना है फिर कैसे डाउनलोड करूँगा, तो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड हो रखा है, क्या रखा है, डाउनलोड हो रखा है। अगर नहीं दिक्कत होगी तो सिस्टम पर आ जाओ, अभी 2 मिनट चलाना है इसको। ठीक है, देखो जो भी चीज़ डाउनलोड होती है वो आपकी कहाँ पहुँच जाती है, डाउनलोड में, आप माई कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर पे आ जाएंगे। देखो ये बीजी का सेटअप होता है, क्या होता है, सेटअप होता है, बस आप इस पर राइट क्लिक करके रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर पे करेंगे, ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, तो अब ऐसे बीजी का कोई सा भी या कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे, देखिए अभी इंस्टॉल होना शुरू हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पे जाना है, मतलब भाई कंट्रोल पैनल पे जाना है। ठीक है, और डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाके कहाँ जाना है, www.bzwin.com, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर थोड़ी बहुत सभी की एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आपको पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो आई एग्री इन टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, जब भी आपसे पूछा कि आपको बीजी कहाँ इंस्टॉल करना है, तो हम हमेशा हमारी डिफॉल्ट लोकेशन होती है, क्या होती है, सी ड्राइव बीजी विन, मतलब सी ड्राइव के अंदर जाएगा, कहाँ इंस्टॉल होगा, बीजी विन के अंदर। क्लियर है, बस आप इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो अभी आपके पास यहाँ से हट गया था, अभी इंस्टॉल हो जाएगा।
आ जाओगे दिक्कत दे दो वहाँ पर, दिक्कत थोड़ी तुझे बैठी अब आप लोगों में से अनइंस्टॉल कर लोगे इजीली। डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना है? गूगल पे। क्या वेबसाइट बताई थी? इंडिया में कब लॉन्च हुआ है बीजी? कौन सी प्लेस पे लॉन्च हुआ है? प्रगति मैदान। क्लियर है? बीजी के टोटल कितने वर्जन आ गए? चार। पहला कौन सा वर्जन था? लास्ट कौन सा है? 17 का कौन सा है? 8.1.8। ठीक है, ओवरव्यू हो गया यहाँ तक। किसी को डाउट है आप में से? आगे समझ में आगे चलें। ठीक है, बस ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल भी कर लोगे, अनइंस्टॉल भी कर लोगे, डाउनलोड भी कर लोगे, इतना है। इससे भी पता चल गई क्या है बीजी क्या है, ये भी आप लोगों को पता है। बीजी का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अकाउंट बहुत बड़ी फील्ड है, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखें। ये तो साले बैठे सामने वाले पे। हाँ तो बैठे फिनिश हो गया आप लोगों का भी। इतना टाइम लगता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ और चीज़ें के बारे में बता देता हूँ बीजी का। ठीक है, देखिए फिनिश हो गया आपका। ठीक है, अभी फिनिश हो गया तो आपने देखा ऑटोमेटिक आपके पास बीजी यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप बीजी का 3.0 वर्जन भी कर सकते हैं, या जो भी आपको करना हो इसलिए आप कर सकते हैं।
अब बीजी को चलाने के लिए सर क्या करना है, बस आप इस पर राइट क्लिक करके उसको ओपन कर देंगे, आ जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं सर क्या बीजी का कोई शॉर्टकट है ऑन करने, हाँ शॉर्टकट है, आप बस इसकी प्रॉपर्टीज़ में आइए और यहाँ से कोई सा भी एक शॉर्टकट अपने हिसाब से बना लीजिए। मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ वन दबा दिया कि अगर मैं कभी भी कंट्रोल शिफ्ट वन दबाऊँगा, क्या दबाऊँगा वन, तो क्या होगा मेरा ऑल कंट्रोल प्लस वन, तो मेरा बीजी ऑन हो जाएगा। देखिए मैं बीजी को ऐसे नहीं चलाऊंगा राइट क्लिक करके, बस कंट्रोल शिफ्ट और वन दबा दूँ, देखिए मेरा बीजी ऑन हो गया, क्लियर। तो आपके इस तरीके आप किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बना सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को आप लोगों को, आगे समझ में। दूसरा, जब बीजी फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो किस तरीके का मैसेज लिख के आता है, क्या लिख के आता है, इस तरीके का एक मैसेज लिख के आता है जिस पर लिखा होता है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम इज स्टार्टिंग डाउन, क्लियर है। ये ऐसा मैसेज क्यों आया, डेमो मोड का। अगर मैं कोई ओरिजिनल गूगल से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँ क्या ओरिजिनल आ जाएगा सॉफ्टवेयर, नहीं आएगा ना, डेमो कॉपी तो देगा कोई भी, या फिर ये पोस्ट डाल देंगे ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आप लोग खिलाफ, कोई नहीं डालेगा। तो कौन से मोड पे हुआ ये, डेमो मोड। डेमो मोड का मतलब एजुकेशनल वर्जन पे काम करोगे, मतलब इसको बिजी वो 30 दिन के लिए आप वैलिड है यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपका बिजी खराब हो जाएगा, मतलब एंट्री आगे आप लोग नहीं कर सकते। जब इस तरह की स्क्रीन आएगी तो उसके लिए एक मैसेज दिया है, जब इस तरह आप पहली बार बीजी को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, इसका मतलब ये है कि आप डेमो मोड पे काम कर रहे हो, इसमें आप सिर्फ 30 दिनों की एंट्री ही कर सकते हैं, क्लियर है, समझ गए। ये मैसेज कब आएगा, ये वाला आइकन, जब बीजी हमारे पास ओरिजिनल नहीं होगा डेमो मोड पर। हाँ लेकिन आप लोग वर्किंग करने जाओगे तो आपका वो बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होगा। सर बीजी सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल करने के कितने तरीके हैं, तो आप नोट में ध्यान से पढ़िए, कितने तरीके हैं, दो तरीके, पहला एक्टिवेटर से, दूसरा ओरिजिनल करने के दो तरीके, पहला सॉफ्ट लॉक से और दूसरा डोंगल। कौन सा है, सॉफ्ट लॉक से डोंगल, आप सुनिए डोंगल कहते हैं। देखो डोंगल ये है, डोंगल इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डोंगल। डोंगल क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होता है जो हम अपने सिस्टम पे लगा देते हैं, कहाँ लगा देते हैं, अपने सिस्टम पे लगा देते हैं, लगाना पड़ेगा नहीं लगा तो ठीक है, क्लियर है। ये एक फिजिकल डिवाइस होता है जो अपने USB के पोर्ट में लगाते हैं, जिससे आप देख रहे हो कि मैं माउस और कीबोर्ड चला, ऐसे बीजी को चलाने के लिए इतना बड़ा डोंगल आएगा, वाइट कलर का होगा, उस पर 8 डिजिट के एक डिजिट होगा, कोई नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, कितने तक होगा 1 2 8 होगा। अगर वो डोंगल आप बीजी यहाँ पर लगा दोगे, बीजी को बंद करने, जैसे अभी लगा दिया मैंने डोंगल, तो उस समय आपका बीजी बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका बीजी बंद होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए। उसके बाद आप बीजी सॉफ्टवेयर को क्या करिए, ओरिजिनल कीजिए, फिर ओपन करोगे तो आपका बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो जाएगा, क्लियर है। आशीष उठा के वहाँ से कंप्यूटर वाली करनी है कंपनी, क्या उसमें होगी एक स्मार्ट कंप्यूटर, वो कंपनी करके दिखा दो सामने बैठा, क्लियर है, आ गया। अब वाला एक तरीका तो आप सीख गए कि सर हम डोंगल के जरिए बीजी को क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल कर सकते हैं। सर दूसरा तरीका क्या होता है, अब डोंगल पता एक नुकसान है, क्या नुकसान है कि आपके पास डोंगल होगा तभी आप लोग काम कर पाएंगे, डोंगल नहीं होगा, सपोज आप लैपटॉप में काम करते हो तो डोंगल आपको हमेशा इधर उधर लेके घूमना पड़ेगा, डोंगल नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें डोंगल मत दीजिए, हमें तो आपने आपको क्या चाहिए, अगर कोई ऐसी फाइल दे दो जिससे बीजी ऑटोमेटिक ओरिजिनल हो जाए, क्या हो जाए, ऑटोमेटिक ओरिजिनल हो जाए, तो उनको हम एक फाइल देते हैं, क्या देते हैं हम लोग, ये फाइल देते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लॉक, क्या बोलते हैं सॉफ्ट लॉक। ये एक तरह की फाइल होती है, जैसे आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन पड़े हुए ना, जैसे आप दिखाऊं मैं, ये आपकी एक फाइल पड़ी, सपोज ये फाइल है आपकी, तो इस तरीके की एक फाइल आती है बीजी वाले हमको देते हैं, फाइल कौन देते हैं, बीजी वाले हमें देते हैं, तो वो क्या होती है, फाइल को हम इसके अंदर सिस्टम के अंदर सी ड्राइव के अंदर डाल देते हैं, जब बीजी ऑन होता है या चलता है ना, तो उस फाइल के साथ रीड होकर चलता है, जिससे आपका बीजी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ओरिजिनल हो जाता है। तो कितने तरीके हैं ओरिजिनल करने के, दो तरीके, ये हमारा काम जब हम आपको हायर करेंगे कहीं तो सारी चीज़ें हम करके आएंगे, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए इसका ये चीज़ है, क्लियर है। आ गया पहला तरीका क्या है, डोंगल के जरिए। डोंगल क्या होता है, हाँ दीपक अभी अभी है नहीं, मैं तो 2 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है ना, पूछ के, हाँ ठीक है। डोंगल हार्ड लॉक या डोंगल क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसको कहाँ अटैच करते हैं,
यूएसबी पोर्ट यही होता है, इसको क्या बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। और सॉफ्ट लॉक क्या होता है, सिक्योरिटी फाइल होती है, इसको सी ड्राइव के अंदर हम लोग क्या करते हैं पेश करते हैं। क्लियर है, आ गया कोई दिक्कत में? अब चलते हैं कहाँ पर हम लोग, क्रिएट कंपनी। कहाँ पर आ गए हम लोग, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, एक नई कंपनी बनाने, क्या बोलते हैं हम लोग क्रिएट कंपनी। क्या हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी? नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कंपनी बना दूंगा, क्या कर दूंगा, अगर मैं कंपनी यहाँ से बनाऊंगा अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कंपनी क्रिएट करूँगा,